सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई ये 75 डेज का 50वां दिन फाइनली पानी वानी पी के फ्रेश हो गया एंड अब चलो चलते हैं, मिलते हैं ग्राउंड में। फिलहाल दिवाली कैसी थी ये जरूर बताना। मेरी दिवाली तो बहुत ही अच्छी गई। आज परुआ का दिन है तो जो भी पैसा पाएगा तो साल भर पाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस बारी दिवाली में। पूरा मोहल्ला जैसे कि मैंने बता दिया था धुआं कर दिया था भाई, मज़ा बहुत आया। तो चलो चलते हैं ग्राउंड में, मिलते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है तो चलो चलते हैं। सुबह देखो ग्राउंड में पहुंच चुके, अब चलो चलते हैं, करते हैं रनिंग। तो फिलहाल कर ही रहा है आज रोज की तरह, आज भी आधा घंटा लेट है। तो चलो चलते हैं रनिंग करते हैं। रनिंग तो कर ही रहा हूँ, अब किस तरह करूँ। तो रनिंग खत्म कर कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। मन टापे जंगल पनामा के देसी बालक कामा के हम देसी। You know that you control me, guilty self affliction, prey on me when I... लो भाई देखो एक्सरसाइज कंप्लीट, अब चलो चलते हैं, करते हैं डंड और पुशअप। और ये देखो सीट, आज कोई आया नहीं है, ये अलग अलग नए लोग आए हैं, मतलब ये दौड़ते नहीं है। मेरी जितनी टीम है, जितनी मतलब डेली लोग जो ब्लॉग में आते हैं, एक भी लोग आया नहीं है। बल्लू भैया भी नहीं आया, और जो दौड़ते हैं मेरा दोस्त क्या नाम है उसका, मुकेश, वो भी नहीं आया है। तो मैं ही आया हूँ भाई, और बाई चांस देख लो भैया मिल गए इसलिए वीडियो बन पाया, वरना मैं तो सोच रहा था आज वीडियो बन ही नहीं पाएगा, बन गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब चलो चलते हैं डंड और पुशअप मारते हैं, आज मज़ा आएगा क्योंकि आज है परुआ का दिन, तो आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है तो बने रहना। बड़े खबीटरा तै पूछ मेरा टोरा, एक नंबर बातचीत हरियाणा का छोरा, बुला लिए तू जितने भी गए। Hold me close till I get up, time is barely... लो भाई उगते हुए सूरज की जो है ये 2 मिनट की बनाई है, लेकिन इसमें 10 सेकंड का स्पीड में बनाऊंगा तब समझ में आएगा। उगते हुए सूरज की मैंने वीडियो बना ली, समझ रहे हो, ये चीज़ कोई नहीं दिखाएगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मिल सकता है वो भी एनिमेशन द्वारा। तो अब चलो चलते हैं, करते हैं डंड, सपाटे कम्प्लीट, मारते हैं डंड। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मैं उगते हुए सूरज को देख सकता हूँ। ठीक है तो अब चलो चलते हैं डंड मारते हैं। लो भाई डंड और सपाटा कंप्लीट, सारे वर्कआउट कंप्लीट, अब करते हैं मेडिटेशन। एंड कोई है नहीं तो अकेले में करने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे ही करना है। ऐसा क्या लगा कि कोई आएगा नहीं तो नहीं करेंगे, मैं मजाक कर रहा था भाई, तुमको अकेले ही चलना है, अकेले करो, अकेले में मज़े काटो, अकेले में ही मज़ा है। आज शांति है तो आज बहुत ही अच्छे से हो गया मेरा वर्कआउट। तो अब चलो चलते हैं मेडिटेशन करते हैं। लो भाई सारे वर्कआउट सारे चीज़ ख़त्म, मेडिटेशन भी ख़त्म, अब चलो चलते हैं घर, नहाते हैं, मंजन करते हैं, धोते हैं, उसके बाद पढ़ते श्रीमद् भगवद् गीता एंड आज चलेंगे कहीं घूमने के लिए क्योंकि आज परुआ वाला दिन है, समझ रहे हो, तो आज मज़ा आएगा तो देखते रहना। और ये रहा मेरा हेडफोन, अब लगाते लगाते म्यूज़िक, अब चलते हैं घर। लो भाई नहा धो के रेडी, लेकिन कल वाला ही कपड़ा पहन लिया क्योंकि साफ था। तो अब चलो चलते हैं पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद् गीता। मैं कहने जा रहा था नहाने, आ जाओ। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं पढ़ने के बाद। भाई देखो गीता पढ़ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया एंड पुरुषोत्तम योग आज पढ़ा मैंने, मतलब 3 श्लोक पढ़ा उसमें से, क्योंकि उसमें 7 श्लोक थे जो कल मैंने पढ़ा था, उसमें से 3 मिला के 10 श्लोक पूरा कंप्लीट कर दिए। और आज से नया अध्याय स्टार्ट भी हो गया, 15वां अध्याय पे पहुंच गए। तो अब चलो चलते हैं नीचे, फिलहाल के लिए खाते हैं एंड मीठा तो भाई खाने का मन कर रहा है लेकिन अफसोस नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चीख लेते हैं, लेकिन फिर यार वही चैलेंज टूटने वाली बात हो जाएगी। लेकिन मन को मानो, मारो पार्थ। तो 75 डेज जिस दिन कंप्लीट हो गया भाई, पक्का खाऊंगा उस दिन के एक दिन आगे ही, एक ही बार खाऊंगा उसके बाद नहीं खाऊंगा, ठीक है, 75 डेज कंप्लीट करने के बाद। तो चलो चलते हैं नीचे, खाते हैं, नाश्ता करते हैं। भाई देखो रात वाला खाना ये रहा एंड मेरे घर मतलब खाना ज़्यादा बन गया था, इसलिए रात का खाना इतनी पैर खाना पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं खाने के बाद, ये रही, ठीक है। तो भाई देखो खाना होना खा लिया एंड मुझे आलस आ रही है नींद वाली, लेकिन नींद वाली आलस को त्यागते हुए हे पार्थ मुझे करना है कुछ काम,
एंड मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आज परुआ का, तो परुआ मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मिलते हैं कुछ काम धंधा करने के बाद, मतलब आधे एक घंटे बाद, समझ रहे हो, तब तक मैं काम भी अपना निपटा लूँगा। तो मिलते हैं एक घंटे बाद। भाई देखो परुआ वाले दिन हो गई कंट्रोवर्सी, और ये था लड़का और ये था। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। भाई देखो वो मेरे मोहल्ले के बच्चे थे एंड मार झगड़ा देखने में, वाकई में आज परुआ वाला दिन था, तो परुआ देख लिया कैसे होता है। और चलो चलते हैं जिम, फिलहाल के लिए मेरा आज चेस्ट एंड ट्राइसेप है, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं जिम में। भाई देखो जिम में हो गए एंट्री, हाँ चलो चलते हैं करते वर्कआउट। That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. I wrote this song. देखो सारा वर्कआउट कंप्लीट, मेरा चेस्ट एंड ट्राइसेप था, चार बार बता चुका हूँ। चलो चलते हैं घर एंड मिलते हैं नहाने धोने के बाद। ये रही मेरी आज की सेल्फी। सो भाई देखो जिम से आ चुके हैं एंड मैं नहा धो के रेडी हो गया, मतलब जिम से आते हैं तो भाई पसीना रहता है, तो पसीना में भाई ऐसे कैसे सो सकते हैं। तो ये रहा मेरा गेटअप एंड अब चलो चलते हैं फिलहाल खाने की तलाश में। जैसे कि मुझे लगी है भूख, मेरी मम्मी गई है बाहर और मेरी बहन तो इधर उधर मोहल्ले में थोड़ी सी घूमती रहती है, मतलब थोड़ी सी घुमक्कड़ टाइप की है, बुरा नहीं कह रहा हूँ, मतलब घुमक्कड़ नहीं, बस इधर बगल में घूमती रहती है, वो ज़्यादा वो वाला वो नहीं है। तो सारी बातें हटा दो साइड में एंड अब चलो चलते हैं, मिलते हैं खाना खाने के वक्त। आज देखता हूँ क्या बना है, जो भी बना होगा अच्छा ही बना होगा, क्योंकि आज परुआ वाला दिन है और वो लोगों का जो मार हुआ है भाई, जब मैं घर आया तो मुझे लगा कि वो घर घर से मार हो गया, मतलब अभी तो बच्चे में था, अब घर घर वाला से मार हो गया। तो छोड़ो सारी बातें छोड़ो, अब चलो चलते हैं, मिलते हैं नाश्ता, मतलब खाना जब खाएंगे तब, क्योंकि भाई सर दर्द कर रहा है एंड एडिटिंग भी करनी है, रात को सोया नहीं हूँ, आँख भरी हुई है तो नींद भी लग रही है। तो बाय भाई। देखो ये रहा मेरा आज का खाना, दाल चावल आलू गोभी की सब्जी, शिमला मिर्च भी पड़ी है और ये कल वाली दही बड़े है, मतलब दही बड़े। तो मिलते हैं खाने के बाद, तो भाई खाओ और ताकत बढ़ाओ और जिम जाओ, ठीक है, दुनिया के मोह माया से चक्करों में एकदम छोड़ दो। मैं फंस चुका था लेकिन बच गया, समझ रहे हो, बाद में कभी खुलासे में बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो भाई देखो खाना वाना खा के रेडी एंड मैं जा रहा हूँ सोने। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।